कैसे हो? आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे। तो अभी मैं आ चुकी हूँ ट्यूशन से, मतलब आज मैं सुबह 8:30 बजे ट्यूशन चली गई थी, 2 घंटे पढ़ के आई हूँ वहाँ से। और फिर अब उसके बाद मैंने आते ही खाना खाया है और मम्मी नादो के हो गए रेडी, क्योंकि अब जाएंगे हॉस्पिटल में ग्लूकोज चढ़वानी है मम्मी के। और काम सारा हो चुका है कम्प्लीट। मम्मी ने खिचड़ी खाई है, मैंने आलू की नहीं खाई अब तक, मुझे लगा मेरे से गाने से पहले खा ली। तो भाई ये गलत बात है, अब खाओगे नहीं तो असर मेरे होगा। तो गाइस देखो कुछ खाते हैं नहीं और फिर कहते दवाई लगती नहीं, बिना खाए दवाई किसके लगेगी आप खुद बताओ। तो अभी खिचड़ी डाल के देती हूँ फिर निकलते हैं हॉस्पिटल के लिए। हो चुका है अगला दिन, लास्ट पिछले दिन गुड मॉर्निंग लेती हूँ, उसके बाद कुछ भी नहीं लिया है। तो अगला दिन हो चुका है और उनकी तबीयत हो गई थी बहुत ज़्यादा ख़राब, दवाई वगैरह ले रहे लेकिन कुछ फ़र्क नहीं हो रहा। तो कल जाएंगे हिसार या तो रोहतक, क्या है सर अभी कन्फर्म हुआ, दोनों में से किसी एक जगह पर जाएंगे। और मैं स्कूल गई थी, स्कूल से भी आई, स्कूल से आने के बाद मैंने खाना वगैरह बना दिया था, मम्मी को खिला दिया था, सुबह चली गई थी, काम वगैरह सारा हो गया था, बस अब आई स्कूल से। और मम्मी की तबीयत, बस अभी दवाई वगैरह ली है, तबीयत में बिल्कुल भी आराम नहीं हो रहा, पता नहीं क्या हो रहा है। दवाई वगैरह सब रेगुलर ले रहे हैं बट आराम नहीं हो पा रहा है। और मेरी आँख देखो पता नहीं इसमें क्या होगा, इधर लाल हो रही है ये वाली देखो, खुल भी नहीं रही ढंग से। तो गाइस तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है, मैं ब्लॉक नहीं ले पा रही, सॉरी। 2 दिन के तब लोग ने नहीं पिया पाए क्योंकि मुझे हिसार जाना पड़ेगा या रोहतक जाना पड़ेगा। इतनी तकलीफ़ हो रही ना पेट में, इतनी तकलीफ़, सांस लेने में इतनी दिक्कत हो रही, पूरी रात होगी रोते हुए मुझे पूरी रात, आज तो सारे ना होगी। और सोनू का तो इतना बुरा हाल हो रहा है ना, रो रो कर देखा ना जा रहा है, क्योंकि पेट में पेन इतना हो रहा है मेरे को। और ये समझ में नहीं आ रहा सांस क्यों नहीं आ रहा मेरे को, बस डर लग रहा है बीमारी का, कदे कुछ और बीमारी ना निकले, है ना। और तन्नू लगा रही जो तो अपना, तन्नू अभी अभी आई है, परेशान हो जा, बच्चा भी बहुत परेशान हो जाता है भाई। ये तो ब्लॉक ही नहीं लेती बिल्कुल भी, इनू का मामा मेरे से नहीं ब्लॉक लिया जाए बिल्कुल, क्या लेऊँ मैं बीमारी का बार बार में। और ये भी ठीक ही बोल रही है, बीमारी का बार बार ब्लॉक लेने का दिल ही नहीं करता। मैं बोली बेटा 2 दिन का गैप ले ले, जब लेंगे थोड़ा ठीक हो जाए। और काम बिल्कुल बंद हो चुका है, मैं सिलाई का मुश्किल तो अच्छा काम चला था बहुत अच्छा, और पता नहीं चलता भाई बीमारी एकदम से कहाँ से आती है। वैसे तो मेरे को 6 महीने हो गए, परेशान होती ना अभी भी, छठा डॉक्टर तो मैंने बीमारी में बदल लिया, दवाई ले रही हूँ आराम नहीं हो रहा मेरे को बिल्कुल भी। बस यही है, बहुत पेन हो रहा है भाई जी, बहुत ज़्यादा। सुबह ये सोचा मैंने, आज तो मखा ग्लूकोज नहीं चढ़वा रही, 7वां दिन था ना आज, मखा आज आराम हो जाएगा, तैयार होकर चली। मैं तो किलकी मान लगी, फिर सोनू आई, सोनू ने और सूट है ना इतना फंस के खड़ा हुआ ना मेरे को, इतना सूझगी तो आते साथ कपड़े चेंज कर दूंगा, तीसरा सूट बदला मैंने, उठ कर चला भी नहीं गया मौका भाई, मेरे से तो सर उठ कर नहीं जाया जाता, शॉप पे जाने की तैयारी। और इतनी सोच रही थोड़ा रिलैक्स, गर्मी ना किले का दिन नहीं लगता, क्योंकि 12-1 बजे लगता तो सोनू भी थी, भाई भी था मेरा सुनील भाई, वो भी सारा दिन का इधर बैठा था, अभी अभी गया है, कभी कुछ डॉक्टर ने बुला कर लेके आया, कभी मैं सारी चीज़ तो ब्लॉक में दिखा भी नहीं पा रही आपको, अभी अभी गए हैं, फिर आऊँगी मैं अभी भी रात में 9 बजे। और वही संभाल है सोनू और वो दोनों के दोनों हुए, अब आऊँगी जब मैं आपको दिखाऊँगी कि मैं आऊँगी जब। और बस ये दुआ करूँ कि मैं जल्दी ठीक हो जाऊँ, नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। और हिसार का तो मैंने इतना डर चढ़ रहा ना, रीना नु कहो थी बस तू हिसार रही जा, रीना को यही दिक्कत थी पेट में जो को मेरे हो रही है। और रीना भी आज लगा दी, रीना भी आज बहुत दुखी हो रही थी, कुछ सपना बस ये दुआ करके बीमारी की मैं ना मिला, क्योंकि इधर के डॉक्टर कोई भी लग नहीं समझ मारा इसका हो के रहा है, ये सांस लेने में हाथ तो पेट पर लगता है को नहीं, इतनी दिक्कत हो रही है। और बेचैनी, इतनी बेचैनी कि घर में तो मेरा नो दिल करेगी मैं भाग जाऊँ कहीं दूर, क्योंकि घर में कोई दिखता है को नहीं। मैंने पढ़ ले बेटा, कल स्कूल में जाएगी, चले जाइयो, मेरा तनु रोना पड़े रहा होगा, मेरा तनु दर्द रह जाओ बेटा, अच्छे से जोत लगा दे राजा, भोग लगा दिया माता जी का, और जो ठीक कर फिर मैं पंखा चला दूंगी, जो ठीक कर दी, मेरे को तो नहीं लगता। तो गाइस फाइनली बज चुके हैं रात के 10:30 और आंटी को आए अभी आधा या पौना घंटा हो चुका है, और आंटी की ना बहुत ही ज़्यादा तबीयत ख़राब है। और मम्मा तो आंटी से मिलने आ गए थे, मम्मा ने ना फ़ोन कर लिया था आंटी के पास, तन्नु से पूछ लिया, तन्नु बोली आंटी जी अब आ जाओ, तो आंटी बस आए थे जिस टाइम मम्मी ने फ़ोन किया, और ना बहुत ही ज़्यादा हालत ख़राब है आंटी की। तो आंटी आपसे बताएंगे, हाँ, तो आंटी से मेरी बात हो गई थी और मैं ना बताना भूल गया मम्मी को,
और ना बताना भूल गया, हमारे घर कुछ प्रॉब्लम थी जो कि मैंने आपको अभी बताई है, और वो प्रॉब्लम भी बहुत बड़ी थी, और ना हाँ ये सीजन ही प्रॉब्लम का चल गया मुझे लगता है। दीदी कल आई रात को आपके गेट जैसे ये बंद थे, कमरा खुला था, अंदर की बस माई रानी की लाइट जल रही थी। हाँ, तनु को फोन किया, तनु बोली मम्मी तो इशार है, और जैसे ही तनु ने बताया अरे मम्मी इशार है, और जाती व्लॉग देखा, व्लॉग देखते जैसे आपकी हालत देखी ना मेरी मम्मी ने, हालत देखते ही मेरे ऊपर मम्मी चढ़ गई, तुझे पता था, तूने बताया क्यों नहीं, मैं आंटी से दीदी से मिलने जाती, फिर पापा से बात हो गई भाई, मम्मी बोली कि इशार चले जाऊँ, फिर मैं बोला कि एक बार आंटी से आप पूछ लेना आंटी आएंगे या नहीं आएंगे, और फिर आपने पूछा था मम्मी, हाँ और आप के एम गोयल के भी एडमिट थे जिस टाइम मेरी बात हुई थी, और फिर आप उससे अगले दिन ही चले गए थे और आंटी, अच्छा और रेफर कर दिया था जो कि आपने व्लॉग भी देख लिया होगा, और आंटी की हाँ और रिपोर्ट अगर आप देखोगे ना आपको रोना आ जाएगा गाइज, अभी मैंने और मम्मी ने देखी है, और बहुत ही ज़्यादा जो हालत ख़राब है आंटी की, और आपकी दुआ इतनी आंटी के साथ है जो कि मतलब कि बच गए हैं, और आप अगर हाँ कोई चांस नहीं था, और अगर आप रिपोर्ट देखोगे ना आप भी रो पड़ोगे गाइज एक बार, तो हाँ तो कल वाले व्लॉग में देखना तो आप रो पड़ोगे एक बार, और आपकी ऐसी दुआ बनाए रखो, और आपकी दुआ से आंटी जल्दी से ठीक हो जाएगी, और जल्दी से ठीक हो जाओ, और पैसे भी आंटी के बहुत ज्यादा लग गए, और जिंदगी बच गई, बस आंटी को पैसे दुख रहे हैं। पता है क्या मेहनत करके कैसे कमाया जाता है वो पता है, 10,000 रुपए मैंने नहीं इस तरह जोड़े थे, मैंने ये सोच ही लेते 10-15, हां और मैंने पूरे गिन के 10,000 रुपए रखे थे, मगर तब वो इनकम करे तो पूरा माल लेके आए, और यहां 10,000 आप कर रहे थे माल की भी बात, और अब गाइस बहुत ज्यादा आप सपोर्ट करो ताकि आंटी के पास जल्दी से जल्दी पैसा आए, और आंटी ना सूट का भी बहुत ही बढ़िया काम करे, और आंटी अब जल्दी से ठीक हो जाए। हाँ क्या बोल दिया, हाँ बेड रेस्ट बोल दिया, मैं तो कह रही दीदी अभी आप मत करो ऊपर से, क्या बोल रही हैं, कल मैं तो नस्ल हो जाऊंगी वहां से दुकान पे, नहीं आंटी अभी मैं क्यों जा रहे हो आप, आपकी तब आंटी बस खड़ी हो गए ना 2 मिनट तो बैठा बैठ जाएंगे बिल्कुल, तो आंटी की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब, आप प्रे करो सारे मिलके बस आंटी जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। गाइस रात बहुत हो चुकी है, मैं सोच रही हूँ मैं सो जाऊँ, क्योंकि पेन भी मेरे को बहुत हो रहा है, मेरे से ब्लॉग भी नहीं लिया जा रहा, तो आज का ब्लॉग का छोटा सा इधर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक चैनल को लाइक शेयर और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूले, और जब तक के लिए टाटा बाय बाय।